हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, तो आज बाबा से पूछेंगे कि कब राखी बांधी जाएगी, कैसे हम त्यौहार को मना सकते हैं। ये सारी जानकारी आज आपको बाबा देंगे। स्मित सुभग मुखम स्वाधरेण स्तवेणु श्यामं शांतं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयंत्या वंदे वृंदावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपाल भेषं उलुवाल कृष्ण भगवान की जय। रक्षाबंधन पर्व के बारे में बहुत भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का बहुत सुंदर पर्व है। बहन भाई के रक्षा सूत्र बांध करके स्वस्थ एवं दीर्घायु की कामना करती है। भाई रक्षा बंधवा करके बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। ये सब पर्व शास्त्रों में वर्णित है। इस वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। 30 अगस्त को 10:58 तक चतुर्दशी है। चतुर्दशी में रक्षाबंधन नहीं हो सकता। 10:58 से तुरंत भद्रा लग जाएगी। भद्रा में रक्षा सूत्र रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, क्योंकि इस वर्ष भद्रा मृत लोक में वास है। अतः रात्रि 9:01 से 11:30 तक रक्षा सूत्र रक्षाबंधन मनाया जा सकता है। ये शास्त्रीय विधान है। भद्रा के बाद या 31 अगस्त प्रातः 7:05 तक मना सकते हैं। मनाने से, भद्रा को त्याग करने से भाई बहन की रक्षा सूत्र की सफलता की कामना होगी। अब अगर भद्रा में रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो अशुभ कारण है, भाई के लिए विशेष अशुभ बताया गया है। इसलिए भद्रा को त्याग करके रक्षा सूत्र रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। रात्रि 9:00 से 11:30 तक रक्षाबंधन करें या 31 अगस्त को प्रातः 7:05 तक करें, यही शुभ समय है। किसी भी भ्रामक स्थिति में नहीं आए। विचार करें कि इस वर्ष भद्रा जो है मृत लोक में वास है, भद्रा में कदापि भी रक्षाबंधन नहीं करें। कुलवाले कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे।